मात्रा है, 3 अक्टूबर है आज, और अभी कुछ समय पहले जो है वो ये नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है, जिसमें हिमाचल पुलिस की भर्ती के बारे में अपडेट दी गई है। 31/10/2024 तक हम अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो मैं हिमाचल पुलिस की नई अपडेट के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। हिमाचल पुलिस की नई भर्ती जो है वो आ चुकी है और अभी लेटेस्ट अपडेट जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। आज अभी कुछ समय पहले जो है वो हिमाचल की नई भर्ती निकाली गई है, हिमाचल सरकार के द्वारा हिमाचल पुलिस की भर्ती निकाल दी गई है। तो उसी अपडेट के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हूँ। विजयपथ एजुकेशन आपके लिए लेटेस्ट न्यूज जो है वो हर बार लेके आता है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल पुलिस की भर्ती। अभी कुछ समय पहले जो है वो आज हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल पुलिस की भर्ती निकाल दी गई है। तो आप देख सकते हैं हिमाचल पुलिस में कमांडो की भर्ती जो है वो होने जा रही है। अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने भर्ती जो थी वो निकाली थी, जिसमें ये कहा गया था कि कांस्टेबल नहीं अब कमांडो भर्ती करेगी हिमाचल पुलिस। यानी कि नवरात्रों में जो पोस्टें थी वो निकालने की बात की गई थी सुक्खू सरकार के द्वारा, जिसमें 1256 पदों की बात की गई थी। लगभग 1250 पोस्टें जो हैं वो हिमाचल पुलिस की जो है वो निकाली जाएंगी, ऐसा सुक्खू सरकार के द्वारा कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि नवरात्रों में इसकी पोस्टें जो है वो बता दी जाएंगी, कितनी पोस्टें निकालनी है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्जाम होना है। तो आज पहला नवरात्रा है, 3 अक्टूबर है आज, और अभी कुछ समय पहले जो है वो ये नोटिफिकेशन हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है, जिसमें हिमाचल पुलिस की भर्ती के बारे में अपडेट दी गई है। 31/10/2024 तक हम अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आज की ये डेट है 3/10/2024, आज ये भर्ती कुछ समय पहले जो है ये निकाली गई है हिमाचल पुलिस की, जिसमें 708 पोस्टें जो है वो कांस्टेबल मेल की रहेंगी। कांस्टेबल मेल की 708 पोस्टें निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं लड़कों के लिए जो है वो 708 पोस्टें हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। आप सभी जानते हैं सुक्खू सरकार की ये ऑलमोस्ट पहली ही भर्ती होने जा रही है और इतनी बड़ी हिमाचल में ये भर्ती है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कांस्टेबल फीमेल के लिए 380 पोस्टें जो हैं वो लड़कियों के लिए निकाली गई हैं। अब इसमें आप एक बार देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जब भर्ती होती है कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए जो है वो दी गई है। तो अनरिजर्व के लिए जो है वो 208 पोस्टें निकाली गई हैं। अनरिजर्व बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके लिए 19 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें 8 और 11 बैकलॉग पोस्टें रहती हैं। होमगार्ड की 54 पोस्टें निकाली गई। देखिए होमगार्ड की वैकेंसी को भी बढ़ाया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, 54 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एससी जो अनरिजर्व है हिमाचल के 101 पोस्टें हैं। उसके बाद है एससी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें टोटल 16 पोस्टें हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। तो इसके साथ एससी बीपीएल ऑफ हिमाचल, जिसमें 24 पोस्टें निकाली गई हैं। एससी होमगार्ड के लिए 27 पोस्टें हैं। एसटी अनरिजर्व के लिए 20 पोस्टें, एसटी बीपीएल के लिए जो है वो 8 पोस्टें, एसटी होमगार्ड के लिए 4 पोस्टें, एसटी बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे थोड़ी सी निराशा वाली बात है, ओबीसी के लिए जो है वो 81 पोस्टें निकाली गई है। ओबीसी हिमाचल के लिए 81 पोस्टें निकाली गई है। उसके बाद ओबीसी की बात करें, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 14 पोस्टें हैं, बीपीएल में 25 हैं, होमगार्ड में 22 पोस्टें निकाली गई, और एक्स सर्विसमैन में 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं बम्पर भर्ती निकाली गई हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, 68 पोस्टें जो है वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें जर्नल कैटेगरी को काउंट किया जाता, अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट हो सकते हैं। और होमगार्ड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 13 पोस्टें यहां पे निकाली गई हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरिट अब हिमाचल पुलिस की बनेगी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बननी है, पोस्टें तो काफी हैं
बंपर भर्ती हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। आप सभी जानते हैं लगभग 2-2.5 साल से यही बात चल रही थी कि भर्ती कब आएगी कब आएगी, तो फाइनली आज सुक्खू सरकार ने जो है वो भर्ती निकाल दी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आपकी ऑल हिमाचल की मेरिट बनेगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट नहीं बननी कि कांगड़ा से जो हाईएस्ट है वो टॉपर है, उसके बाद सिरमौर का हाईएस्ट वो टॉपर हो गया, शिमला का अलग है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट नहीं बनेगी, ऑल हिमाचल की इकट्ठी मेरिट बननी है। तो 1256 पोस्टों के लिए जो भी मेरिट में आएंगे उनकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेबल फीमेल की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 104 पोस्टें दी गई हैं, काफी ज्यादा पोस्टें यहां पे बताई गई हैं। नेक्स्ट बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में टोटल 9 पोस्टें हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, उसके साथ साथ बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 31 पोस्टें दी गई हैं, उसके साथ होम गार्ड में भी बंपर भर्ती है लड़कियों के लिए, टोटल 24 पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एससी कैटेगरी में, जिसमें अनरिजर्व के लिए टोटल 46 पोस्टें हैं, फ्रीडम फाइटर के लिए कुल 5 पोस्टें थोड़ी सी संख्या कम की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बीपीएल के लिए 10 पोस्टें हैं, एससी के लिए जो है वो 11, एक्स सर्विसमैन के लिए 11, होम गार्ड के लिए 13 पोस्टें और एसटी अनरिजर्व के लिए जो है वो 13 पोस्टें यहां पे निकाली गई हैं। उसके साथ एसटी की अगर बात करें बीपीएल में टोटल 3 पोस्टें हैं, तो अगर जिसके पास सर्टिफिकेट है वो यहां पे अप्लाई कर सकता है, शायद कोटे के थ्रू जो है वो आपका सिलेक्शन यहां पे हो पाए। तो कुल 3 ही पोस्टें यहां पे रखी गई हैं, एसटी बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 4 पोस्टें हैं और ओबीसी में यहां पे बात करें अनरिजर्व में टोटल 38 पोस्टें निकाली गई हैं, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 5 पोस्टें हैं, ओबीसी बीपीएल में 11 पोस्टें, एक्स सर्विसमैन में 7 पोस्टें निकाली गई हैं। ओबीसी होमगार्ड की अगर बात करें यहां पे 11 पोस्टों की नोटिफिकेशन आई है और ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल, जिसमें लड़कियां अगर कोई जनरल कैटेगरी की है अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो टोटल 32 पोस्टें जो हैं वो यहां पे निकाली गई हैं हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट में ईडब्ल्यूएस होमगार्ड के लिए 3 पोस्टें हैं, यहां पे आप देख सकते हैं लड़कियों की भी बंपर भर्ती 380 पोस्टें जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। बंपर भर्ती जो है वो सुक्खू सरकार के द्वारा पहले नवरात्रे को ही आपके लिए एक उपहार के रूप में दी गई है। तो इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि 31/10/2024 को उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है, क्योंकि न्यू वेबसाइट है, क्रैश होने का ज्यादा चांस रहता है, तो उससे पहले पहले आपको जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है, ध्यान रखना है। और पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, कमीशन की वेबसाइट है तो ज्यादा चांस है कि कमीशन जो है वही आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आपकी ऑल हिमाचल की बनेगी, ऐसा नहीं कि कांगड़ा से जो टॉपर है उसकी सिलेक्शन होगी, शिमला से जो टॉपर है, सिरमौर से जो टॉपर है, तो ऐसा नहीं है। जो मेरिट में आएगा, जो 1256 पदों की बात कर रहे हैं, जो इस मेरिट में आएगा उसी की सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। सो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। अभी कुछ समय पहले हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए दी है, पहले नवरात्रे का एक गिफ्ट जो है वो हिमाचल के बच्चों को दिया है जो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे गिफ्ट है। और विजयपथ भी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया है, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है वो टोटल 400 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मिलेंगे। 90% का ऑफ जो है वो विजयपथ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है पहले नवरात्रे के लिए, और अभी कुछ समय पहले जैसे भर्ती निकली है तो उसके लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 400 प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा होते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपकी सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये आपको लगभग सभी के 100 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो हिमाचल पुलिस की मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे जुड़ा था। अगर आपको नोट्स की नीड है हिमाचल पुलिस में, क्योंकि अब डे बाय डे सिलेबस चेंज हुआ है, लेटेस्ट स्टैटिक जीके के बजाय करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, आपको पता है हिमाचल का अब एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से इंप्रूव हुआ है,
तो उसके लिए आप अगर लेटेस्ट नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म जो है वो 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले भरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।